नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है 1970@ श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह रोज़ाना चलने वाली मेल व एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, जो रोज़ाना श्री गंगानगर से रवाना होकर सादुलपुर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, आबू रोड, अहमदाबाद, वडोदरा के रास्ते मुंबई बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है। और यह ट्रेन श्री गंगानगर से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक की टोटल डिस्टेंस 1611 किलोमीटर को 32 घंटे और 55 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस ट्रेन का श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस तक 54 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। बात करें अगर इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को भगत की कोठी लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव श्री गंगानगर से अहमदाबाद तक लेकर जाता है और वडोदरा लोको शेड का V4E या V5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अहमदाबाद से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक लेकर जाता है। दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन में लगने वाले कोचेज की, तो दोस्तों इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें सेकंड AC के दो कोच रहते हैं, जिनका श्री गंगानगर से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक का किराया 2455 रुपये रहता है। थर्ड AC के तीन कोच रहते हैं, जिनका किराया 1675 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 620 रुपये और साधारण जनरल अन रिजर्व के चार कोच रहते हैं, जिनका किराया 352 रुपये रहता है। और दोस्तों, इस ट्रेन में S11 और S12 कोच श्री गंगानगर से जयपुर के बीच सेकंड सीटिंग के रूप में काम में लिए जाते हैं और जिनका श्री गंगानगर से जयपुर तक का किराया 170 रुपये रहता है। दोस्तों, यह अपडेटेड किराया नहीं है और इस किराए में GST एवं रिजर्वेशन चार्ज शामिल रहता है। इसलिए दोस्तों, अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी में अपडेटेड किराए के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या रेलवे टिकट काउंटर से कन्फर्म अवश्य कर लें। दोस्तों, रेलवे इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो ट्रेन के अंदर ही भोजन की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। साथ ही ऑन बोर्ड कैटरिंग एवं ई कैटरिंग की सुविधा भी इस ट्रेन में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 1970@ श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनस अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन रोज़ाना रात में 9:40 पर श्री गंगानगर से रवाना होती है और यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है सादुल शहर 10:01 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद रात में 10:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है हनुमानगढ़ जंक्शन, रात में 10:40 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 25 मिनट ठहराव के बाद 11:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव या रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है हनुमानगढ़ टाउन रात में 11:13 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 11:15 पे हनुमानगढ़ टाउन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है TB 11:36 पर यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 11:37 पर TB से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुंचती है एलनाबाद 11:52 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, नौर यह ट्रेन पहुंचती है रात में 12:26 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:28 पे नौहर से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुंचती है तहसील भादरा 1:02 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद 1:05 पे तहसील भादरा से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है सादुलपुर जंक्शन 2:20 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 2:25 पे सादुलपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है चूरू जंक्शन 3:35 पे और करीबन 25 मिनट ठहराव के बाद 4 बजे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, चूरू जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव और रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज फतेहपुर सेखावाटी 4:45 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:47 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है लक्ष्मणगढ़ सीकर, सुबह में 5:06 पे यहां पहुंचती है
और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सुबह में 5:50 पे यह ट्रेन पहुँचती है सीकर जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद सुबह में 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सीकर जंक्शन से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है रिंगस जंक्शन सुबह में 7:05 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 7:10 पे रिंगस जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज गोविंदगढ़ मलिकपुर 7:24 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:26 पे गोविंदगढ़ मलिकपुर से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है 7:37 पे चोमू सामुद और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 7:39 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों ढहरका बालाजी यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 8:10 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 8:13 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है जयपुर जंक्शन सुबह में 8:25 पे और करीबन 25 मिनट ठहराव के बाद 8:50 पे जयपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों जयपुर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है असलपुर जोबनेर 9:16 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:18 पे असलपुर जोबनेर से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज फुलेरा जंक्शन 9:35 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:37 पे फुलेरा जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है नरेना 9:46 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों किशनगढ़ यह ट्रेन पहुँचती है 10:18 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:20 पे किशनगढ़ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अजमेर जंक्शन 11:10 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 11:20 पे अजमेर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 12:03 पे ब्यावर और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:05 पे ब्यावर से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज सोजत रोड 12:51 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:53 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों मारवाड़ जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 1:22 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 1:27 पे मारवाड़ जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सोमेश्वर दोपहर में 1:48 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है जावली 1:58 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद दोपहर में 2 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रानी दोपहर में 2:13 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है फालना 2:24 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 2:29 पे फालना से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है जवाई बांध 2:46 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों मोरीबेरा ये ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 2:58 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है नाना 3:11 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:13 पे नाना से रवाना हो जाती है। दोस्तों पिंडवाड़ा ये ट्रेन पहुँचती है 3:28 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:30 पे पिंडवाड़ा से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है स्वरूपगंज 3:44 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:46 पे स्वरूपगंज से रवाना हो जाती है। दोस्तों आबू रोड यह ट्रेन पहुँचती है शाम में 4:35 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 4:45 पे आबू रोड से रवाना हो जाती है। आबू रोड से रवाना होकर दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है पालनपुर जंक्शन शाम में 6:10 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 6:15 पे पालनपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है चापी 6:27 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों शाम में 6:44 पे यह ट्रेन पहुँचती है सिद्धपुर और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है ऊंझा 7:17 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है मेहसाणा जंक्शन 7:42 पे यहाँ पहुँचती है
और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:44 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों रात में 8:38 पे ये ट्रेन पहुँचती है कलोल जंक्शन और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है रात में 9:08 पे साबरमती और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:10 पे साबरमती से रवाना हो जाती है। दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन पे ये ट्रेन पहुँचती है रात में 10 बजे और करीबन 25 मिनट ठहराव के बाद 10:25 पे अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है डीजल से इलेक्ट्रिक। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन से रवाना होकर ये ट्रेन पहुँचती है नडियाद जंक्शन 11:18 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:20 पे नडियाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। नडियाद जंक्शन से रवाना होकर दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है आनंद जंक्शन 11:40 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:42 पे आनंद जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन 12:23 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 12:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है भरूच जंक्शन रात में 1:16 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:18 पे भरूच जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अंकलेश्वर जंक्शन रात में 1:28 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 1:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सूरत यह ट्रेन पहुँचती है रात में 2:17 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 2:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है नवसारी 2:42 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:44 पे नवसारी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है वापी 3:36 पे और करीबन 8 मिनट ठहराव के बाद 3:44 पे वापी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है ढहानू रोड 4:20 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है बोरीवली सुबह में 5:40 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 5:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज अंधेरी सुबह में 6:01 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 6:04 पे अंधेरी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज बांद्रा टर्मिनल सुबह में 6:35 पे और यहाँ तक 1611 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 19708 श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली अमरापुरा रावली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।